यदि हम बात करें ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की यानी कि म्यूकर माइकोसिस की, तो ये अभी पोस्ट कोविड के दौरान यानी कि कोविड के इन्फेक्शंस के खत्म होने के बाद एक गंभीर समस्या बन के उभरा है। स्पेशली वो तमाम पेशेंट्स जिनके अंदर स्टेरॉयड्स चलाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो स्टेरॉयड्स चलाने के बाद सबसे अहम बात जो बॉडी में चेंज आती है वो है आपके ब्लड शुगर का बढ़ जाना। स्टेरॉयड एक तरह का हार्मोन होता है जिसका कोविड के अंदर हम प्रयोग करते हैं इन्फ्लेमेशंस यानी कि सूजन को कम करने में, जिसकी वजह से लंग्स में होने वाली तमाम निगेटिव प्रॉब्लम्स, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पानी जम जाना, ये तमाम चीज़ों को कम करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम करता है, और जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से आम दिनों में हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, कोई भी मुश्किलात नहीं होती, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाती है। और उसी तरह के खतरों में से एक है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं। ये सॉइल में यानी कि मिट्टी में पाया जाने वाला एक बहुत कॉमन फंगल स्पोर है, जिसे हम एक तरह से कहें तो फंगस के बीज भी कह सकते हैं स्पोर्स को। आमतौर पे ये हवा में यूं ही हर जगह होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें स्टेरॉइड्स देकर उनके जीवन रक्षा की गई थी, उस तरह के पेशेंट्स में जब ये स्पोर्स जाते हैं तो स्पोर्स जाके ग्रो करने लगते हैं, उसके बाद लंग्स में, ब्रेन में और साइनसेस में। हमारे फेस के अंदर कुछ खोखले हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पे चिकबोन के ऊपर में या आईब्रोज के पास में, इन सब खोखले खाली जगहों में साइनसेस होती है, और इन साइनसेस में जाके ब्लैक फंगस ग्रो करने लगते हैं धीरे धीरे, और आँखों में देखने में ट्रबल, कई बार ब्रेन में क्लाउडी फील होना। अगर इस समस्या का उचित समय पर रोकथाम नहीं किया जा सके तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस फंगल इन्फेक्शन के रोकथाम के लिए दवाई अवेलेबल है, जिसे आजकल बहुत आसानी से यूज किया जा रहा है। हाँ, जितनी बड़ी तादाद में आज इसकी ज़रूरत हो रही है तो एक बारगी से इतनी सारी दवाई अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये उपलब्ध हो रही है। इस बीच में सबसे अहम चीज़ है वो है इसकी रोकथाम। तो वो तमाम पेशेंट्स जिन्होंने स्टेरॉयड्स जिनके ऊपर डॉक्टर्स ने यूज किया है, उन्हें अपने हाइजीन एंड सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। मॉइस्ट जगहों पे यानी कि जहाँ पे नमी हो वैसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए, ड्राई एयर अपने आसपास रखना चाहिए, कूलर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड यानी जहाँ हवा की आवाजाही आवागमन बना हुआ हो वैसी जगहों में रहना चाहिए। ऐसा करके अपने आप को हम ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के खतरे से बचा सकते हैं। इसके बाद भी यदि ऐसा महसूस होता हो कि आईज में रेडनेस हो रही है या नाक से सिक्रीशन सा गिर रहा है ब्लैक कलर का, तो हमें तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या फिर अपने फैमिली फिजिशियन से डिस्कस करके इसके बचाव, इसकी रोकथाम और इसके इलाज की स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही एक और नया इन्फेक्शन जो निकल के आया है और आजकल बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है, वह है वाइट फंगस। ये भी फंगस की ही प्रजाति का एक इन्फेक्शन है, और उसी तरह से आम लोगों में तो कॉमन नहीं होता, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, चाहे वो कैंसर की वजह से हो या हाई ब्लड शुगर की वजह से हो या स्टेरॉयड दवाइयों के प्रयोग के वजह से हो, उन लोगों में वाइट फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। सिम्टम बिल्कुल कोविड के जैसे ही होते हैं, लेकिन कोविड के सारे टेस्ट करने के बाद भी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। ऐसी दशा में जब डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं तो कई बार उन्होंने पाया कि लंग्स में वाइट फंगस की इन्फेक्शन है। लेकिन अगेन द गुड पार्ट इज दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी ट्रीटेड एंड कैन बी क्योर्ड बिकॉज द ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर स्टेरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है आपके
ऊपर, या अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा है या आपके साथ साथ कैंसर की समस्या है, तो आप अपना ख्याल रखें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन से।